मैंने जो पार्सल आए थे सारे आप लोग से शेयर कर लिया है, तो आगे भी जो मैंने कुछ ऑर्डर्स कर रखे हैं वो जैसे ही आएंगे मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो बस अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, बच्ची छोटी है और फिर कुकी भी छोटी है, अगर दूसरी भी समझदार होती तो शायद मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल पाता, वो देख पाती उसे, बट मेरे को दोनों को देखना पड़ रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत अभी हो रही है, बट कोशिश पूरी रहती है कि वीडियो आप लोग तक जल्दी जल्दी पहुँचे और पहुँचेगा भी मैं जितना हो सकता है, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना कि अभी एक महीने की हो जाएगी वो, फिर ऐसे करते करते ढाई तीन महीने की हो जाएगी, उसके बाद में बच्चा जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो बॉडी उसकी कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को संभाल पाता है, तो थोड़ी सी हमारी भी टेंशन कम होती है। अभी तो ऐसा है कि उसको इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बहुत मतलब नाजुक है बिल्कुल, तो बहुत उसको अच्छे से कैरी करना पड़ता है, उसको अच्छे से देखना पड़ता है, तो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि एक आंख मेरी इधर है तो एक उधर होती है, रखना पड़ता है, क्योंकि अगर इसको अगर लेकर बैठी हूँ तो कुकी अगर खेल रही है तो खेलते खेलते मैडम पहुँच जाती हैं किचन में, और किचन में पहुँच कर जो है अपनी चेयर ले जाती है, छोटी सी चेयर है उसकी, वो उसको लेकर जाती है, उस पर चढ़ती है और स्लिप पर चढ़ जाती है मैडम, डर लगता है मुझे कभी गैस वगैरह ना ऑन कर दे, जो भी है बच्ची है तो मुझे उसका भी पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ 2 साल की हुई है अभी वो, तो वो भी छोटी है बच्ची है अभी, तो उसका भी उतना ही ख्याल मेरे को ध्यान रखना पड़ता है जितना कि इसका रखना पड़ता है, तो इसको तो लेकर ही बैठना पड़ता है, उसके तो पीछे पीछे लगना पड़ता है तो आप लोग समझ सकते हैं। अभी तो मेरी ऐसी हालत हो रखी है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आप लोग को, आप डार्क सर्कल देखिए पहले, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हालत हो रखी है मेरी। एक्चुअली हो ये रहा है कि कुकी जो है जब से हुई है, ये मेरे जितने भी मेरे को करीब से जानने वाले होंगे उन्हें पता होगा, कुकी जब से हुई है और आज भी 2 साल की हो गई है उसको, एक तो रात में हुई है वो, उसके जो उसका जो बर्थ है वो रात के 2-2:30 बजे के आसपास की हुई है वो, तो ये लगा लो आप, ये बिटिया मेरी जो है ये दिन में हुई है ये भी 1:30-2 बजे के लगभग हुई है, वो भी 2:30 बजे के लगभग, बस वो रात में हुई है दिन में हुई है, बट ये बच्ची मेरी सोती है अच्छी है, बट कुकी का क्या है, बहुत बदमाश है भाई, ये लगा लो आप पूरा दिन सोती है मैडम और पूरी रात पूरा दिन जागती है, और फिर मैडम शाम को थोड़ा सा सो लेती है, जबरदस्ती रोग आके जैसे मर्जी सो जाती है, उसके बाद में इसका उठने का टाइम होता है 8-9 बजे रात में उठ जाती है, और 8-9 बजे जो जगती है ये, 9 कई बार 10 बजे भी जग जाती है, फिर वो जो जग जाती है वो सुबह 7-8 बजे सोती है, पूरी रात चलती है। अगर वो जगे और एक जगह बैठी रहे टीवी देखे मोबाइल देखे तो भी मैं सो सकती हूँ, मेरे को टेंशन नहीं है, बट वो पूरा जो है घर में जो है ब्यौरा करती है मैडम, इधर से उधर घूमती है, कभी किचन में कभी कुछ कभी कुछ, और सबसे बड़ी बात आपको भी नहीं बैठने देगी चैन से, मतलब चलो किचन मुझे ये चीज़ दो, चलो वहाँ चलो, चलो मेरे साथ खेलो, मेरा मोबाइल बंद हो गया, मतलब मतलब शांति से नहीं बैठती है कुल मिला के पूरे, मतलब हॉल से लेके इधर उधर, मतलब उसके लिए ऐसा हो जाता है सुबह हो गई है तो पूरी रात वो ऐसे ही परेशान करती है, तो ऑब्वियसली ऐसे मैं उसको छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने जैसा कि आप लोग को बताया वो रात में फिर कुछ भी टीवी को पकड़ के खींच सकती है, एक बार उसने टीवी जो है अपने पास खींच लिया था पूरा, तो कुछ भी कर सकती है, तो मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ, तो बहुत इनसिक्योर सा लगता है, तो इस वजह से जो है अभी बहुत दिक्कत हो रही है। अब क्या होता है इसके चक्कर में मेरे को जो है रात में जागना पड़ता है, और वो छुटकी मेरी सोती है, बीच बीच में उठती है, उसको भी फीड करवाती हूँ, अभी मेरे साथ ऐसा हो रखा है कि मैं दिन में जो है सो रही हूँ और रात में जागती हूँ, तो सुबह जब मैडम 7-7:30 सोती हैं, 7 तक स्कूल जाता है, ये भी ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद मैं सोती हूँ, और दिन में भी नींद पूरी नहीं हो रही है ना, क्योंकि फिर बीच में 10:00 कूड़े वाला आ जाता है, फिर उसके बाद में 11:30 हमारी काम वाली आ जाती है, तो फिर ये होता है कि अगर काम वाली भी झाड़ू पोछा करके बर्तन करके उसको जाना हो तो भी मेरे को दिक्कत ना हो कि चलो ठीक है यार आधे घंटे में चल जाएगी उसके बाद सो जाऊंगी, बट ऐसा नहीं है, वो 11:30 आती है मेरे पास और वो 3:30 तक मेरे पास ही रहती है, फिर उसके बाद वो जाती है चली जाती है, 3:30 जाती है और 7 बजे दोबारा से आती है वो, तो मेरे पास टाइम कौन सा बचा आप लोग देख सकते हो, सिर्फ वही 4-5-6-3 घंटे का टाइम बचता है, क्योंकि अब ऐसे तो मैं छोड़ नहीं सकती, बल्कि एक दो बारी ऐसा भी हुआ है, अभी कल की बात ले लो, मतलब वो आई है राजकुमारी और मैंने बोला भाई अब तू देख ले मैं सो रही हूँ, इतनी गजब नींद आ रही थी, तो वो बेचारी अपना झाड़ू पोछा सब कुछ करके खाना वाना बना के साफ सफाई करके और बच्चे की मालिश करके चली गई, मैंने अपनी मालिश उस दिन मैंने स्किप भी कर दी, तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अब वो आ जाती है तो फिर जाहिर सी बात है मेरे को जगना पड़ता है, कई बार बतानी पड़ती है चीज़ें, 11:30 की आई मेरे को 3 बजे तक वो भी जगना पड़ता है, वहाँ तक भी मेरे को जगना पड़ता है देखना पड़ता है, तो कुल मिला के यही है कि नींद अभी पूरी नहीं हो रही है, आप लोग डार्क सर्कल देख सकते हो कितना ज़्यादा हो गया है,
बहुत दिक्कतें अभी हो रही हैं, और शाम के टाइम जो ये सोती है ना, इसका जो है ना कुछ करना पड़ेगा। मैं इसको जो है किसी भी तरह, चाहे रोए चाहे कुछ भी करे, इसको सोने नहीं देना, क्योंकि रोती है जब नहीं सोती है तो सोने के लिए रोती है कि मेरे को सुला दो, मेरे दूध के लिए रोती है कि मुझे दूध पिलाओ सुलाओ। क्योंकि पहले आप लोग को बता दूं, मैं ऐसे ही सोती थी, वो जब तक वो मेरा दूध नहीं पीती थी नहीं सोती थी। तो आज भी वो अभी भी वो यही चीज़ कर रही है कि रोती है शाम के टाइम। तो कई बार जब हार मान जाती नहीं मिलता उसको दूध, तो बेचारी ऐसे ही इधर उधर लुढ़कने लग जाती है। 7-8 बजे के लगभग जिद करती है सोने की, जो कि गलत टाइम है। अगर 7-8 बजे सोएगी तो ऑब्वियसली 9-10-11 बजे उठी जाएगी वो, फिर वो पूरी रात जो है जागरण करती है मातर। तो बस यही दिक्कत है, और तो कोई बात नहीं है। तो ठीक है, मैनेज हो जाएगा, धीरे धीरे चीज़ें, दोनों बच्चियाँ छोटी हैं तो थोड़ा सा होता है, मैनेज करने में दिक्कत होती है, बट कोई नहीं, कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी, मुझे विश्वास है। और बाकी मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी वीडियो आप लोग तक लेकर आऊँ। नहीं अगर डेली हो पाता है 2-3 दिन बाद आएगा, लेकिन आएगा, जैसा कि आ रहा है आप लोग देख रहे हो। और कुछ कुछ चीज़ें मैं आप लोग से शेयर करती रहूँगी बेबी का। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। मिलती हूँ किसी अच्छे सी वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मैं तो रख ही रही हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। वीडियो अगर आप लोग को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया है, कॉमेंट ज़रूर करना, आप लोग को पता है मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो तब तक के लिए बाय।